स्वागत है गाइस आपका एक बार फिर से चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीवो के जो V20 मॉडल और वीवो V20 SE मॉडल जो वी सीरीज़ है, उसके दो मॉडल यहाँ मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। उसी में हमें तीसरा एक और मॉडल देखने को मिलेगा जो कि वीवो V20 Pro होगा। या अगर बात करें यहाँ पे, तो पहले से अगर जो वीवो V20 है वो हमें देखने को मिलता था 25,000 की रेंज में, और वीवो V20 जो है SE वो हमें देखने को मिलता था 30,000 की रेंज में। और ये जो तीसरा मॉडल है ये भी जल्दी हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है कि 27 तारीख तक ये जो मोबाइल है ये लॉन्च हो जाएगा। बाकी देखते हैं, इसकी जो लीक्स हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में बात बताएंगे, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशंस और प्राइस वगैरह हर एक चीज़ के बारे में। गाइज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को ऑल करिए ताकि नेक्स्ट अपडेट्स जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स हम डालते रहते हैं आपके लिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे इसकी डिस्प्ले को लेकर। तो डिस्प्ले इसमें हमें देखने को मिलेगी 6.44 इंचेस की जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगी 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफ़ी यूनिक बनाती है हमें इस मोबाइल में अगर देखें तो। 90Hz की जो रिफ्रेश रेट है वो हमें देखने को मिलेगा इस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। व्यूइंग एंगल जो बात करें तो काफ़ी अच्छा हमें इसमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, तो वहाँ पे हमें 720G देखने को मिलता था, बट इस मोबाइल में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन का 765 जो प्रोसेसर है वो, जिसके चलते हुए यहाँ पे जो 5G सपोर्टिंग सिस्टम हमें वो देखने को मिलेगा। तो ये सेट 5G होने वाला है, जो कि OnePlus Nord में जो प्रोसेसर था वही प्रोसेसर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 765, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है कि एज़ कम्पेयर OnePlus Nord की तरह ही हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे 8GB और 128GB में वेरिएंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट अगर बात करें यहाँ पे तो कैमरा की, तो कैमरा यहाँ पे हमें सेम ही 64MP और 8MP और 2MP के तीन कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें फ्रंट में, तो फ्रंट में हमें ड्यूअल कैमरा देखने को मिलेगा इस बार। सो प्राइमरी कैमरा है वो हमें 44MP का, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो क्लिक करने के लिए हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले ना मिलकर यहाँ पे नॉच डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। अगर पंच होल होती तो थोड़ी और अच्छी देखने में लगती। और यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो हमें ड्यूल ऑटो फोकस तो मिलेगा, बट यहाँ पे आई ऑटो फोकस हमें देखने को मिलेगा इस मोबाइल में, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो काफ़ी अच्छा होने वाला ये मॉडल है। तो कैमरे की बात करें तो काफ़ी अच्छी जो पिक्चर्स वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो सैचुरेशन वगैरह है, या हम बात करें डे लाइट्स में भी हम पिक्चर्स को लेते हैं तो काफ़ी यूनिक जो पिक्चर्स है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ अपडेट है इस मोबाइल के बारे में। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे हमें 4000mAh की देखने को मिलती है, और 33W की जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी बात करें इसके कैमरे के, तो काफ़ी सारे मोड्स हमें देखने को मिल जाएंगे फ्रंट कैमरे में भी, और बैक कैमरे में तो मोड्स होते ही हैं। बाकी बात करें तो ये आउट ऑफ बॉक्स हमें देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11 में, और यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी बात होगी और जो स्लिम है वो भी हमें काफ़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट टच ओएस हमें देखने को मिलेगा जो कि 11 को सपोर्ट करता है, और इसी के साथ जो फ़ोन है काफ़ी स्लिम है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो 7.38mm जो है इसकी थिकनेस वो हमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगर इसके और काफ़ी सारे फीचर्स आपको कैसे लगे, इस मोबाइल के फ़ीचर्स आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो आपको कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करिए अगर अच्छी लग रही है, अगर अच्छी नहीं लग रही फिर भी कमेंट करिए, बताइए हमें कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, और हम ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट कंटेंट देने की नेक्स्ट टाइम। तो वीडियो में इतना ही, बात करें इसके अगर प्राइस की, तो प्राइस अगर हमने पहले बताया था कि वीवो V20 जो था वो 25 का था, वीवो V20 SE जो मॉडल था वो 30,000 में हमें देखने को मिलता था, और बात करें वीवो V20 Pro की तो ये भी हमें लगभग 30,000 रुपये में देखने को मिलेगा। जल्दी ही मार्केट में आने वाला है, बाकी देखते हैं इसके जो अपडेट्स हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 8GB 128GB का जो स्टोरेज है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बात करें गेमिंग की परफॉर्मेंस को लेकर, तो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी ये जो मोबाइल है ये ट्वीट करेगा उसके साथ, नॉर्ड जो मोबाइल है उसके साथ ये कंपटीट करेगा,
और अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको 10% का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो कि हमें, जिसके थ्रू हम इसमें कुछ और डिस्काउंट पा सकते हैं। बाकी आप बताइए, वीडियो में इतना ही, आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल करिए ताकि नेक्स्ट अपडेट जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हो सकता है इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो भी हम आपको जल्दी ही इस चैनल पे दे दें।